आज यहाँ मैं अड्डे पे आया हूँ और मुझे खुशी है कि हमारे प्रयासों से और रेडी वाले जो हैं उन्होंने अप्रोच किया मुझे और मैंने डीसी साहब को, एसीआर साहब को, एसपी साहब को अप्रोच किया और एसपी साहब की और एसीआर साहब की मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि रेडी वालों को इजाजत मिली और रेड जोन जो है हटा, इनका जो है इनको इजाजत मिली यहाँ काम करने की। तो मैं पहले भी मैंने इनका मसला उठाया था, सब रेडी वालों का, जितने भी यहाँ फड़ी वाले हैं, रेडी वाले हैं, चाहे फ्रूट की रेडी लगाते हैं, चाहे वो कपड़े की है, या जो भी दुकानें रेडी वाले जो रोजमर्रा का काम करते हैं, 6 महीने उनका काम बंद रहा। तो यही मसला मैंने उठाया था एलजी साहब के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास, कि इनको जो है एक तो इनको इजाजत दो काम करने की। पहले भी उठाया था आपका मसला, तो आपको इजाजत मिली लेकिन कुछ रेडी वाले जो चावल बनाते हैं उनको नहीं मिली, तो उनको दिलवाई। तो मैंने ये मसला उठाया था कि इनको तो मुआवजा मिले, क्योंकि 6 महीने इनकी दुकानें बंद रही, रेडियां बंद रही, रोज तरह के काम करने वाले रोज के चावल बनाते हैं, रोज का फूड रखते हैं, खरीदते हैं, फिर वो बेचते हैं और घर चलाते हैं, उनको मुआवजा। गवर्नमेंट ने सेंक्शन भी किया मुआवजा, लेकिन आपको शायद मिला किसी को भी अभी तक नहीं मिला। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कुछ रेडी वालों ने अपने कागजात एसीआर साहब के पास दे दिए, जो रह गए वो भी अपने कागजात जो है लिस्ट बना के वो बाकायदा उसका लिस्ट बना के कमीशन उसको लगा के, क्योंकि ये गरीबों का मसला है और ये हल होना चाहिए। तो आज फिर मैं आपके मसले के लिए आया हूँ, क्योंकि ये जो अड्डा है यहाँ कम से कम भी रोज के 10 से 20 हजार लोग गुजरते होंगे, चाहे वो कश्मीर के हैं, चाहे वो रामगढ़ के हैं, चाहे इस पहाड़ी एरिया लाजपुर का है, मुझे लगता है रोज लोग। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि हमने उसे ये काम यहाँ लगाया था, जब हमारी दो पानी थी वो चला गई और पिछले 1 साल से काम बंद है और 1 साल से ये देख भी नहीं पाए ये कहाँ का इंसाफ हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आपका माई टाउन माई प्राइड, माई टाउन माई प्राइड, बड़े जलसे किए की बात करते हैं तो आप लोगों को पानी दें साफ, एक दो जो है दो कम से कम नल जो है गवर्नमेंट की तरफ से पीएचई की। मैं पीएचई की भी प्रशंसा करता हूं, मैं पीएचई का भी अगेंस्ट बात करना चाहता हूं कि पीएचई वालों ने अभी तक यहां नल क्यों नहीं लगाया। मैं इससे पूछना चाहता हूं पीएचई डिपार्टमेंट से क्यों भाई हो, मैं पूछना चाहता हूँ उनके लिए पानी का इंतजाम क्यों नहीं किया इन्होंने। और टाउन एरिया वालों को भी मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि हम लोग गरीब हैं, यहाँ के लोग बोलते नहीं, इसकी वजह से आप हमें दबाए जा रहे हैं, हमें पीने का पानी भी यहाँ दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ फोरन जो है मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि फोरन यहाँ दो नल जो है कम से कम दो नहीं तो तीन नहीं तो दो तो लगाइए, इस पंप को ठीक करिए, टाइम लगेगा लेकिन इमीडिएटली आप दो जो है नल जो है पानी के लगाइए, जो कि 24 घंटे यहाँ चलते रहे। अगर 24 घंटे नहीं भी है तो कुछ टाइम 2 घंटे 3 घंटे पानी आए, लोग पानी पिए, मैं तो कहूंगा 24 घंटे पानी मिलना चाहिए। और पीएचई जो डिपार्टमेंट है मैं एक्सिम से कहना चाहता हूँ क्या वजह है वो क्यों नहीं यहाँ पे आते देखने के लिए, लोग पानी के बगैर मर रहे हैं अड्डे पे यहाँ। अभी ये गर्मी में लोग ये बोली बाजार जाते हैं, वहाँ चश्मे से पानी लाते हैं, वहाँ भी रुकावट पैदा होती होगी, वहाँ भी उनको नहीं लड़ाई झगड़ा होता होगा। एक मिनट शांति रखो आप। तो मैं ये आपसे पुरजोर तरीके से कहना चाहूंगा पीएचई डिपार्टमेंट से भी, आप तो पब्लिक, आप अड्डे की जो पब्लिक है, जो रेड़ी वाले हैं, जो दूसरे दुकानदार हैं, सारे फड़ी वाले सब, खासकर रेड़ी वाले और जो चावल यहाँ बेचते हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पानी खरीद के लाना पड़ रहा है। अगर वो 500-600 में पानी खरीद के लाएंगे रोज का 1000 का, तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, घर क्या देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि ये माई टाउन माई प्राइड के जो बहाने करके आप ये मीटिंग करते हैं, ये छोड़िए, काम करिए, यहाँ पे लोगों को काम चाहिए, यहाँ पानी मिलना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये अड्डा जो है बहुत तंग हो चुका है और जो पीछे जगह है अभी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट वो जगह ले ले और अड्डे को और विस्तार करे, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की ये हालत है कि पानी पीने को नहीं मिल रहा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, सब लोग डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर यहाँ आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, यहाँ मीटिंगें भी होती है बहुत बड़ी, रोज यहाँ मीटिंगें होती है, कागजी कार्रवाई होती है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं मिलता है। जब आपके बाजू में जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वहाँ पानी नहीं मिल रहा है तो बाकी गाँव वालों को क्या मिलेगा, कहाँ से पानी मिलेगा? तो मैं कहना चाहूंगा कि अड्डा जो है इसका विस्तार किया जाए इसके साथ साथ, और साथ में जो है जो वेटिंग रूम है, सॉरी जो वेटिंग रूम है यहाँ, जो हमारे टाइम में मेरे टाइम में सेंचुरी करवा के बनवाया था उस तक, हालांकि मैंने उसका उद्घाटन भी नहीं किया, लोग वहाँ बैठते हैं लेकिन वो कम है, उसके लिए एक और वेटिंग रूम आपके बैठने के लिए आराम जो पैसेंजर आते हैं उनके बैठने के लिए बनाया जाए, क्योंकि यहाँ स्ट्रेस बढ़ा है, बनाल का, गूल का, रामबन का, बटोत का, चारों तरफ का स्ट्रेस इसी जगह पे है अड्डे पे, इसलिए एक और बैठने के लिए शेड जो है जिसको आप कहते हैं पैसेंजर शेड, वो भी यहाँ बनाया जाए। उसके साथ साथ जिन लोगों ने के पास रेडी वालों के पास फ्रूट वालों के पास लाइसेंस है वो पैसा देते हैं, वो म्युनिसिपल कमेटी को पैसा भरते कि नहीं, पैसा आपसे अच्छी तरह लेते हैं, जब पैसा लेते हैं तो उसमें सुविधाएं भी दो, उस पैसे का रोज का 50 लेते हैं तो 5 रुपए हमें भी दो, हमारे गरीब लोगों का भी हिफाजत के लिए 5 रुपए दो हमें हमारी हिफाजत के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर परमिशन लेके ये लोग बेचारे गरीब काम करते हैं, आइंदा के लिए कोई इनको तंग ना करे और ये अपने मजे से काम करे यहाँ, कोई मैं आपके साथ हूँ, हमेशा साथ रहूंगा, आगे भी अपनी मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, आपका मुआवजा आपको मिलना चाहिए, 6 महीने का मुआवजा दे, जोरदार तरीके से कहना चाहता हूँ कि आपका मुआवजा जो 6 महीने का है, गरीब लोग हैं, घर में बच्चे ने पढ़ाई करनी है, उसको बाहर पढ़ रहा है, पैसा कहाँ से देना है, स्कूल में फीस कहाँ से देनी है, प्राइवेट में फीस कहाँ से देनी है, या घर में आटा कहाँ से लेना है, जब आपका पैसा ही नहीं, आपको पिछला दिन उधार नहीं चुका होगा आपका, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपको वही मिले। और जल्दी से जल्दी मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ पीएचई डिपार्टमेंट एक तो ये ठीक करवाए पंप, दो जो खराब है, और जो पीने का पानी इनको मुहैया कराए, फौरन मुहैया कराए, इमरजेंसी तौर पर मुहैया कराए। शुक्रिया।